ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਬਾਏ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹੋਟਲਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਯੇ ਅਬ ਹਮ ਲੇ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈਫਟ, ਅਬ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਕੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਯਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਬੀਚ ਮੇਂ ਵਨ ਨਾਈਟ ਕਾ ਹੋਲਟ ਲੈ ਕੇ, ਵਨ ਨਾਈਟ ਕਾ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਕੀ ਔਰ ਬੜੇ। ਅਬ ਯਹਾਂ ਸੇ ਹਮਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਫਟ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੀਰਾਗੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸੀਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਆਜ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿਊ ਡੈਲੀ ਟੂ ਬੀਕਾਨੇਰ। अब ये सामने लोकेशन और सिटी बोर्ड लगे हुए हैं, सीधा बहादुरगढ़ रोहतक, हमें रोहतक जाना है। तो नाइट में ड्राइव करने का मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मोस्टली जो प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं वो मोस्टली हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। हाई बीम वहाँ करनी चाहिए जहाँ बिल्कुल भी ना स्ट्रीट लाइट ना हो, दिख ना रहा हो रास्ता, तब हाई बीम पे लाइट करनी चाहिए। बट मैंने देखा है परमानेंटली लोग हाई बीम पे ड्राइव कर रहे थे, हमेशा गाड़ी नाइट में लो बीम पे करने चाहिए, जहाँ ना दिखे वहाँ हाई बीम पे करने चाहिए कुछ सेकंड के लिए। और जैसे आप दिल्ली क्रॉस करेंगे और रोहतक के लिए हाईवे पकड़ेंगे, फिर आप ये देख सकते हैं कितना स्मूथ हाईवे है, 3 लेन एकदम स्मूथ। मतलब यहाँ आपको ब्रेक पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। बट कीप इन माइंड, हमेशा याद रखें, कि जब भी आप ड्राइव करें, ये नहीं कि खाली है तो आप बस 120-130 चलाएं, नहीं। अगर सडनली कोई आगे आ गया तो कंट्रोल नहीं हो पाती कार, इसलिए मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं। अब ये खाली सड़क है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम स्पीड उठा दें, स्पीड आपने वही रखनी है 80-90, बस 90 से ऊपर कभी मत लेके जाना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अराउंड 70,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही आप 90 से ऊपर चलाएंगे 100-121 गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती। तो बेटर है 80-90 रखें, इसमें आपकी मतलब जान भी बची रहेगी, सेफ्टी भी रहेगी, प्लस आपकी गाड़ी एवरेज भी अच्छी देगी।
तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हाईवे है, एकदम स्मूथ हाईवे, 3 लेन, और ट्रैफिक भी बहुत कम है इस रूट पे, ट्रैफिक भी आपको बहुत कम मिलेगा। तो ये दिल्ली से बीकानेर जाते हुए पहला टोल आता है, जिसका प्राइस लगता है हमारे को 85 रुपीस। टोटल इस रूट पे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बीकानेर 4 टोल आते हैं। पहला टोल 85 रुपीस, दूसरा टोल 45 रुपीस, तीसरा टोल 60 रुपीस, फोर्थ टोल 60 रुपीस। टोटल हो गए 250 रुपीस, मतलब 250 रुपये लगते हैं टोल चार्जेस अगर आप बाय रोड जा रहे हैं दिल्ली से बीकानेर अपनी गाड़ी पे। प्राइवेट कार का बता रहा हूँ, कमर्शियल का इससे ज़्यादा होता है। तो 4 टोल पड़ते हैं, और अगर मैं कहूँ ये टोल चार्जेस जस्टिफाई है, यस जस्टिफाई है, क्योंकि जो यहाँ इन्होंने रोड बना रखी है एकदम स्मूथ है, कोई एक हल्का सा छोटा सा पैच भी आपको नज़र नहीं आएगा हाईवे पे। तो आई रियली अप्रिशिएट कि बेशक टोल चार्जेस ले रहे हैं, पर उस के अकॉर्डिंग ये हाईवे है, उसे पैसा लगा भी रहे हैं, सड़क पे दिख रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आई रियली अप्रिशिएट। ये हाईवे सीधा, ये सड़क रोहतक बाईपास से शुरू हुई है, अब ये सीधा जा रही है भिवानी। अब ये 2 लेन हो गई है, तो कभी कहीं कहीं ये 3 लेन बन जाती है, कहीं कहीं ये 2 लेन बन जाती है, मतलब। पर जो भी है, कंडीशन रोड एकदम अल्टीमेट है, एक छोटा सा गड्ढा भी नज़र नहीं आया हमें पूरे रास्ते। जैसे ही आप रोहतक से कुछ आगे निकलेंगे भिवानी की तरफ, आपको कुछ कुछ किलोमीटर बाद ना, तकरीबन 15-20 किलोमीटर बाद विलेज मिलेंगे, और हर विलेज से पहले ऐसे स्पीड ब्रेकर जरूर मिलेंगे आपको। तो ये जस्ट आप माइंड में रखना, ये नहीं आप बहुत स्पीड पे आ रहे हैं और आपसे ब्रेक भी नहीं लगे, और क्योंकि स्पीड ब्रेकर मैंने देखा है, इन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग टाइप वाइट पेंट नहीं कर रखा, तो दूर से नहीं दिखते, तो इसलिए अलर्ट होके चलाना गाड़ी। ये स्पीड ब्रेकर दूर से नज़र नहीं आते, तो इसलिए गाड़ी की स्पीड 80-90 होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत तगड़ा जंप लगेगा और एक्सीडेंट होने का भी फुल फुल चांसेस है। अब मैं अपने लड़के को दे रहा हूँ टिप कि कैसे ओवरटेक करते हैं ऐसी सड़कों पे, एक तरह से कह लो गाइडेंस है, क्या पता आपके काम भी आ जाए। जो सड़कें होती है समर देख, चाहे एक में आ रहा है एक में जा रहा है, इनमें ओवरटेक बड़े ध्यान से करना होता है। मैं यहाँ ओवरटेक करूंगा, सामने से गाड़ी आ रही है, देख रहा है, तो मैंने ओवरटेक करना है, देखना पहले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर खींच देना एकदम, फिर धीरे धीरे अपनी साइड लाइन में ले जाना। तो ओवरटेक जिन सड़कों के बीच में डिवाइडर नहीं होता, उनमें ओवरटेक हमेशा ध्यान से करना होता है। ज्यादातर एक्सीडेंट इसलिए होते हैं, बंदा सही जज नहीं कर पाता कि मैं काट दूंगा एकदम लेफ्ट। अब इस ट्रक को मैंने ओवरटेक करना है, अब सामने से वो आ रही है, अब मैं थोड़ा स्लो रखूंगा, अभी इसके पीछे रखूंगा, अब मैं देखूंगा कोई नहीं आ रहा आगे, अब मैं इधर से लेके जाऊंगा।
कोई दूर तक नजर आए तब लेके आओ, तब ओवरटेक करो। अब इसको ओवरटेक करना है कार को और ट्रक को। अब ये सामने में आ गया ट्रैक्टर तो मैं रुक जाऊंगा, अब मैं ट्राई करूंगा दोबारा। अब वो पीछे बस आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है मैं इतनी जल्दी कर पाऊंगा, तो मैं इसके पीछे रखूंगा ट्रक के। गाइस, इस रूट पे जाते हुए एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ ये देखो सामने आ गए डॉग, अचानक आया ये। मेरी स्पीड कम थी इसलिए मैंने हल्की सी ब्रेक मार के इसको कंट्रोल कर लिया। इसी तरह इस रूट पे आपको डॉग मिल सकते हैं, काऊ मिल सकती है, काऊ ही बहुत हैं, सबसे ज़्यादा काऊ हैं, गायें, भैंस, कभी डॉग। तो ये ध्यान रखना ड्राइविंग करते हुए इस रूट पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, 90 से ऊपर मत लेके जाना। वेलकम इन राजस्थान स्टेट। लो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं बीकानेर। अब हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर होटल, जो हमने होटल बुक किया है। बट उससे पहले, होटल में पहुंचने से पहले आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं। मैं इतनी देर से इस वीडियो में बार बार बात कर रहा हूं, इतनी स्पीड रखो, उतनी स्पीड रखो, 90 से ऊपर नहीं जाना। अब मैं कह रहा हूं 120 पे रखना, कोई दिक्कत नहीं है। पता क्यों? क्योंकि इस रूट में वो स्पीड चेक करने वाले पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। एक जगह मिलेंगे आपको इस रूट पे, स्पीड चेक करने वाले मिलेंगे आपको एक जगह। तो जब चलान कटेगा ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप ना अपने आप आ जाओगे 80-90 पे, अगर आप 90 से अब चल रहे होगे पहले। और हमने एक ही हॉल्ट लिया है क्योंकि इस रूट पे खाने के जो ऑप्शन है ना, बहुत कम है। तो इसलिए जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना, वो उसी का आएगा, उसी रेस्टोरेंट का आएगा, होटल का आएगा, जिसमें हमने हॉल्ट लिया था खाने के लिए। हमारे जो लंच वगैरह होते हैं, स्नैक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस मेरे व्लॉग्स ऐसे नहीं होंगे कि मैं सिर्फ अपनी शक्लें दिखा रहा हूँ, ये सारे इन्फॉर्मेटिव होंगे, पूरे टोटली फुली इन्फॉर्मेटिव होंगे कि अगर आप इस रूट पे आने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये सारी टिप्स जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।